चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें हमारी नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए ये है 20 रुपये का, ये एक स्टेशन पे आ रहे हैं तो 100 रुपये का फाइन आपको लगेगा जो कि हमें लग चुका था। तो ये है हमारे चैनल का सबसे फर्स्ट व्लॉग जो कि हमारा आउट ऑफ सिटी है और बहुत ही साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है हरिद्वार का। और इस जो सामने देख रहे हैं यहाँ पर होगा आपका COVID-19 का टेस्ट जो कि आपको साथ के साथ रिपोर्ट दे देंगे 1-2 घंटे में। ई रिक्शा पकड़िए, 10 रुपये लेगा, यहाँ पर आपको उतार देगा। ये मेन गेट है जहाँ से हम हर की पौड़ी की तरफ जाएंगे। अगर आप पहली बार आ रहे हैं हरिद्वार में तो ई रिक्शा वाले या कोई भी रिक्शा वाला आपसे मांगेगा 200-300 रुपये, तो उनको देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो रेलवे स्टेशन से थोड़ी सी आगे आ जाना आप, वहाँ पर चलती फिरती जो ई रिक्शा हैं जो जा रही हैं उनको आप बोलिएगा हर की पौड़ी जाना है, तो सिर्फ 10 या 20 रुपये में आपको हर की पौड़ी उतार देंगे, लेकिन इसी वाले गेट पर उतारेंगे। और यहाँ पे हमें मिल रहे हैं कुछ पुराने सिक्के, नहीं है वो वहाँ पे ऋषिकेश में, बहुत ही सस्ते रेट है यहाँ पर। अगर देखोगे आप वहाँ पर मिलेंगे नहीं वैसे आपको ये सिक्के, तो जैसे कि ये है 20 रुपये का, ये एक टेम्पो वाले जाते हैं 40-50। तो आपको मैं बता दूँ कि आप जैसे ही रिक्शा लेंगे यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ से पैदल पैदल का रास्ता है हर की पौड़ी, अब सिर्फ 5 मिनट का रास्ता बचा है, यहाँ हम चले जाएंगे आराम से। तो और सेकंड सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आती है रहने की, जो कि लॉकडाउन में बहुत ही स्ट्रिक्टनेस कर दी है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर होटल में रूम लेना चाहते हैं, धर्मशाला में अगर आपका रुकने का प्लान है एक रात का, तो आपको बता दूँ बिना COVID-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के आपको यहाँ पर चेक इन नहीं मिलेगा। मतलब कि आपको कोई रूम नहीं देगा यहाँ पर अगर आपको COVID-19 टेस्ट नहीं करवा रखा या आपकी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। और सेकंड बात, अगर आप ऑनलाइन बुक करेंगे तो उसमें तो आपको मांगेंगे अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो पहले COVID-19 टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि हमारा भी रेलवे स्टेशन पे 100 रुपये का फाइन कट गया था, हम दो बंदे थे तो 200 रुपये का फ़ाइन तो हमारा COVID-19 टेस्ट ना करवाने का ही कट गया। हालांकि उन्होंने बाद में हमारा COVID-19 टेस्ट कर दिया था, उसकी रिपोर्ट भी हमें SMS हो गई थी 1-2 घंटे के अंदर हो गई थी, तो हमने वो दिखाया और उसके बाद हमें चेक इन मिला होटल में। और जो होटल मैंने बुक करा था वो करा था अगोडा की वेबसाइट से, उसकी ऐप भी आती है जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मुझे वो रूम पड़ा था लगभग 630 रुपीज़ का GST इंक्लूडिंग, और बहुत ही अच्छा रूम था, बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल था, नीट एंड क्लीन रूम था। और वैसे अगर मैंने उसी होटल में ऑफलाइन पूछा कि आप अगर मैं ऑफलाइन आके बुक करवाऊँ तो आपको कितने रुपए का रूम देंगे मेरे को, तो वो बोले 1500 रुपीज़ का आपको वही रूम पड़ेगा, सेम रूम अगर आप ऑनलाइन बुक ना करवाते। और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन अगोडा पे, ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग भी आते हैं, 800 रुपये में आपको बहुत ही अच्छा रूम मिल जाएगा। तो मैं तो यही बोलूँगा आप हर बार जहाँ भी जाएँ तो इसी ऐप को यूज़ करें, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ दिल्ली चंडीगढ़ तो मैं इसी ऐप को प्रेफर करता हूँ और बहुत ही अच्छी ऐप। तो ये सामने सीढ़ियाँ, इसके चढ़ते ही हमारे आ जाएगा हर की पौड़ी। और ये है कुछ नज़ारा लॉकडाउन में, और मुझे इतना यकीन नहीं था कि इतने अच्छी मात्रा में लोग आए होंगे यहाँ पर, क्योंकि लॉकडाउन में कह रहे थे कि यहाँ स्ट्रिक्टनेस बहुत कर रखी है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत ही ख्याल रखा है ड्यूरिंग लॉकडाउन, बहुत ही स्ट्रिक्टनेस कर रखी है यहाँ पर, कोई भी ढील नहीं बरत रखी। तो अगर आपके शूज़ महंगे हैं मेरी तरह तो आप निशुल्क जमा करवा सकते हैं, कोई भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ये मांगेंगे बाद में जब आप टोकन देके अपने शूज़ या चप्पल वापस लोगे तो ये पैसे आपसे मांगेंगे कि आपकी जो श्रद्धा है वो उस हिसाब से आप पैसे दे दीजिए। तो हमने तो दिए नहीं थे क्योंकि ये जॉब करते हैं यहाँ पर, अगर मेरा मानना ये है कि अगर ये जॉब करते हैं तो इनको पैसे मांगने नहीं चाहिए हमारे से,
अगर मांग रहे हैं तो ऊपर निःशुल्क क्यों लिख रखा है, निःशुल्क नहीं लिखना चाहिए। तो हालांकि बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ आसपास अगर आप देखोगे तो बहुत ही चहल पहल है और गर्मी भी बहुत है यहाँ हरिद्वार में। तो अभी आगे जाके हम करेंगे गंगा स्नान। और एक और मैं आपको ख़ास बात बता दूँ, हालांकि यहाँ सारे लगभग अगर आपको 50% बंदे यहाँ पर आपको कर्म करने के लिए ही आए होंगे, लेकिन कई जने यहाँ घूमने भी आए। तो मैंने कई लोगों से पूछा तो स्पेशली बोल रहे थे कि हम घूमने आए हैं और हम हर महीने आते हैं या हर 3 महीने में आते हैं, तो घूमने आए। तो बस वगैरह तो आपको यहाँ नहीं मिलेगी, आपके शहर से या कहीं से भी बस तो यहाँ एंट्री नहीं है। हाँ जी, रेलवे स्टेशन खुला है, ओपन है, कहीं से भी आप आ सकते हैं ट्रेन में। उसका थोड़ा शेड्यूल अलग है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो अगर आपको यहाँ पर आना है तो पहले 3 चीज़ों की आपको मेन जानकारी दे देता हूँ मैं। तो एक तो पहले आपको कोविड टेस्ट करवा के आना है, जहाँ से भी आ रहे हैं आप, जिस भी स्टेट से आ रहे हैं या किसी सिटी से आ रहे हैं। तो सेकंड बात यह, अगर आप कोविड-19 नहीं करवाएंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे, तो आपको अगर रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं तो 100 रुपये का फ़ाइन आपको लगेगा, जो कि हमें लग चुका था। अगर नहीं करवा के आ रहे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हो जाएगा और 24 आवर्स में आपके मोबाइल पर आपकी कोविड रिपोर्ट आ जाएगी। और सेकंड थिंग यह है कि लॉकडाउन में भी इतनी अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर, जितनी हमें नहीं सोची थी कि इतनी भीड़ होगी यहाँ पर। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर तो काफ़ी सारी अच्छी मात्रा में आए हुए हैं यहाँ पर। तो पहला तो यही रखिएगा आप मोटो कि अगर आप जहाँ से भी आ रहे हैं तो पहले कोविड टेस्ट करवा के ज़रूर आएँ। और सेकंड, अगर आपको लॉकडाउन में आना है तो कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पर आ सकते हैं, दर्शन भी खुले हैं। और कोई भी अगर आपको कर्म वगैरह करवाने हैं या घूमने आना है तो आ सकते हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन का थोड़ा शेड्यूल अलग हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत बढ़िया है। और होटल के रेट्स भी यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर, दोबारा मेरी ट्रेन है लगभग 1:30 बजे की। और मास्क पहने और 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी।